गुड मॉर्निंग डे 3 और आज हम जाएंगे वापस नीचे फ्रेश एयर छोड़ के क्या खाने लू खाने। दिव्या वेटिंग फॉर योर हस्बैंड हैं? ज्यादा हंस मत, कितना भी कर लो भाई। It is not worth. नीचे जा रहे हो? हैं? इनवाइट करा है? हमें तो स्ट्रिक्टली मना करा है नीचे आने से। यार एक बात बहुत अच्छी लगी उत्तराखंड की, मतलब अभी तक जहाँ जहाँ हम रुके हैं, कि यहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। मतलब लाइट अभी तक तो गई नहीं है, वो मे भी शायद इसलिए कि हमें बारिश नहीं मिली है अभी तक, बारिश नहीं हुई ज़्यादा कि लाइट चले जाए या कटे, बट अभी तक लाइट नहीं गई है। पर ना जनरली ऐसे रिमोट एरियाज में क्या होता है, लाइट की बहुत प्रॉब्लम रहती है। लेके चलूं तुझे लेके चलूं एक नीले गगन के तले, जहां गम भी ना हो कोई और ना हो बस प्यार ही प्यार हो। गर्म पानी आ रहा है, तब तक 5 मिनट में आ जाएगा अभी। तब तक अपनी बाइक के ड्रेस डिसाइड करवा के आ रहा हूँ। तुम्हारा भाई वैसे तो शेर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लेने देता भाई। इतनी पक्की लेडी देखी नहीं। पता क्या होता है, रोज सुबह ये तैयार हो रही होती है और मैं सब पैकिंग कर रहा था, समेट रहा था, रजाई विजाई तय कर रहा था, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन करा फटाक दे सीन ने कपड़े उठा लिए और तय करने लगी। यार ऐसे कैसे कर सकते हैं यार तुम? यार प्रकाश प्रकाश नहा ले भाई। और भाभी 6 बजे से ढूंढ रही है उसको, वो नहीं आ रहा और उन्हें पता भी नहीं वो कहाँ है। और वो बाई चांस मैं अभी नहा के निकला तो मैंने देखा कि भी वो, अबे तू अभी तो वहाँ था, अभी मैं यहाँ। साला कमांडो, यहीं से ऊपर से खींचनी है। जब भी आपको लगे कि आपकी दीदी का सॉफ्टवेयर खराब हो गया तो राइट क्लिक करके डिलीट दबा दिया, अनइंस्टॉल करके उसको रीइंस्टॉल करिए और आपकी बीवी ठीक हो जाएगी। आपने कहा था ना भगवान अपने पापा से सीख के आना, मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ। इट्स वी टाइम। तभी कह रहे थे टाइम पे आ जा, अब बटर खाओ। प्रकाश पराठे मंगा रहा है, 15 मिनट से पराठे नहीं आ रहे और भाभी जी कह रहे हैं प्लीज बिहेव डिसेंटली, उन्हें बार बार मत बोलो। तो भाभी आएंगे कैसे? मर्द एक विचित्र किस्म का प्राणी है, ये पति की श्रेणी में आते ही वो सब काम कर देता है जो इनके बाप ने भी नहीं सोचे होते। फिर से उड़ चला, उड़ के देखा है मैंने बीच तुम्हारे, बीवी ताने मारे को सो दूर मिलो दूर सुने गाली। दिव्या ये अटैची वटैची सब ले आना प्लीज है, सब कुछ सामान वान सब चक ले। ठीक है अंकित, मन लगा के पढ़ना, बढ़िया ऑफिसर बनना, ठीक है? बाय भाई। पेमेंट हो गई सब ख़त्म क्लियर करके, ठीक था, ये भी बहुत अच्छा रीज़नेबल था। और अब हम चल रहे हैं विकास नगर की तरफ, वहाँ अतुल के घर लंच है, लंच करके फिर हम जाएंगे ऋषिकेश। मौसम अचानक बदल गया, ये नीचे नदी बह रही है और आवाज़ वहाँ तक आ रही है इतनी तेज़। ये हमारी कतरों के खिलाड़ी भाभी। भाभी किधर जाएंगे? दो पत्थर पैर के नीचे से निकले। नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है, पानी तक तो पत्थर ही नहीं पहुंच रहा। नहीं पहुंच रहा क्या? तो बचा नहीं, मैं नहीं बचा यार। क्या जबरदस्त यार लश, मतलब कुत्ते नहीं बंदे, 2 घंटे से हमें फोन कर रहा, कहाँ रह गए? यो माय ब्रो, मेरा भाई, पार्टी और हड्डी आ रहे सब आए। अरे भाई अभी तेरे को याद कर ली तेरी भाभी, बहुत बढ़िया भाभी। नमस्ते भाभी। नमस्ते आंटी,
और ये हमारे इनसे थोड़ा दूर रहूंगा, इनके पास नहीं ज्यादा जाऊंगा। ये हमारी निर्वाणा, ये हमारे अंकल, अंकल अब तो दादा बन गए। प्यारा बेटा क्या लेके चला हुआ? हाँ ये ऐसा ही तू अभी याद कर रही थी, याद ही कर रही थी आते तेरे लिए तेरी डाइट बढ़िया। ये इसका क्या नाम है? इसका सृष्टि। सृष्टि रीवा। रीवा है वैसे इसका नाम। ये मिष्टी है। अच्छा ये मिष्टी है। ये सृष्टि है। ये सृष्टि है। ये निर्वाणा है। यही निर्वाणा है। हाँ यही निर्वाणा है। यही निर्वाणा है। और वो नीवा है। ये नीवा है। रीवा ठीक है ठीक है। मतलब भाई समझ सको तो कमेंट में बताना मुझे। हाँ भाई कैसा एक्सपीरियंस है मुझे बता दे, मुझसे एक कदम आगे निकल गया तू। जय। अब ये कीर्तन के मूड में भी जय। अब ये क्या कह रही है? मेरे जैसा तो समझ के इसके साथ नाचने लग गए। मतलब हाँ थोड़ा तरीक हो गया है। नहीं इतनी देर तक तो थोड़ा ठहराव आ गया। नहीं तो ये मतलब अभी तक तो इसने पता नहीं धुआं दे देना ना यहाँ पे, पता नहीं क्या कर कुछ। इसे जमा लेंगे, अभी पिघल गया, गर्मी बहुत है ना। इसे जमा लेना, खाना मत जमा लेना। लो मीठा खा लो, कुछ हमारे पास तो कुछ मीठा है। थैंक यू फॉर सच एन अमेजिंग लंच। वेलकम। इट वेरी वेरी टेस्टी एंड इतना सब कुछ खिलाने के लिए दिव्या तो अभी खत्म भी नहीं हो रहा मेरे ख्याल में। अभी बजेंगे 7:30 और कहाँ तक पड़ गया शिकारी चावनी को आपका आपकी तो एक बाजी भरी होगी अभी। कड़ी पनीर, ये नेपाली चटनी है, ये फर्स्ट टाइम खाई और बहुत टेस्टी है। इफ भाई एंड भाभी गॉट माय बैक हैड अ फेस। चाची की सबसे बड़ी चीज पकड़ ली ना की है बेटे। खींचते बेटे हम तो नहीं खींचते। आप पेट का लस्सी बना दो जल्दी चलो। कल चले जाना सुबह। नहीं अभी आंटी आंटी ऐसे मत करो। हम सारे जाली के अंदर बंद हैं क्योंकि अतुल स्कॉच को खोल रहा है और स्कॉच वो बच्चा है जिसे हमने बचपन में पाला था। पीछे से भी खोल के इधर आ जाता है। ये फंस गया। स्कॉच बेटा मैं हूँ, तू बचपन में मिला, मैंने बेटा तेरी पॉटी आउट की। बेटा तेरी पॉटी। स्कॉच इजी सिट डाउन, सिट सिट गुड बॉय। बस भाई ये जान से मार जिंदा खा जाएगा मुझे। इसको भी अंदर भेजूं? इसको क्यों खुला छोड़ रखा है? ये पूरे विकास नगर का इंश्योरेंस आपकी तरफ से है ना? ये तो भूल गया बचपन भाई। इसको कितना बगीरा लाया ना मैं, इसने 10 दिन हाथ नहीं लगाया। कुत्ते पसंद नहीं है इसको, लेकिन अब ऐसा हो गया कि बगीरा के एक दिन मतलब पति हो ना हो बगीरा घर पे होना चाहिए और वो दिन रात उसका खाना ये वो राजमा। इसने कुत्ता ऐसा बना दिया धनिया ना रखो खाना नहीं खाता वो। हाँ और पति पति लेके आता वो धनिया। हमने पता क्या इसका नाम रखा था? स्कॉच। चंडीगढ़ रखा इसको एक एक महीना, उसके बाद यहाँ पे छोड़े 2 महीने बाद इसका नाम कालू था। मैंने इतना इतना बड़ा आंटी कह रहे हमने स्कॉच बुलाया आया नहीं आंटी कह रही कालू कालू पूछ ला। तो दोस्तों अतुल के घर बेहतरीन पेट पूजा के बाद हम आगे बढ़े क्योंकि भाभी जी को देहरादून से गमले खरीदने थे। कितने का देगा वो? नहीं मुझे नहीं जानता, तो ऐसे ही बता कितने का देगा तू। और ये देगा तो जुड़ा हुआ 650 का और टूटा टूटा हुआ 400 रुपए का। 200 रुपए का हैंडा। चल यार 200 रुपए का। सो इट्स 10 PM रात के 10 बज गए। हम घर वापस आ गए इन आर हाउस कैफे और सुबह निकलना है 4-5 बजे करनाल के लिए। तो गुड नाइट। बहुत अच्छा ट्रिप था, मज़ा आया, होप आप लोगों को भी अच्छा लगा। कौन है?
एक भाई भी था मेरा, वो पहले हमारे साथ यहीं 2248 में रहता था, आजकल क्लब हाउस में रहता है।